अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे घर पे कैटर वाले ने खाना लेके आया शादी का। हमने ऑर्डर किया था तो लड़की वाले दोनों टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब कैटर वाले ने स्टार्टर्स बना के लेके आया, फॉइल में रैप करके। चार आइटम हो गए ये, पांच। छः, सात, आठ। टोटल यहाँ पे नौ है। और ये कुछ उन्होंने ग्रेवी में स्टार्टर्स बना के लेके आया, सॉसेज वाले। आप कितना, ये क्या क्या बना के लेके आए? इसमें उन्होंने सब काफ़ी वैरायटी में स्टार्टर्स बना के ड्राई आइटम में लेके आया है। पहाड़ी टिक्का, चिकन अंगारा वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारी चीज़ों का नाम भी नहीं याद है। ग्रेवी में कुछ, वो जो दो टोप है उसके अंदर उन्होंने कीमा कुर्ता और एक में मटन कोरमा लेके आया है। ये वो ओपन कर रहे हैं, मैंने बोला उन्हें ओपन करने के लिए। तो ये उन्होंने चिकन हैदराबादी क्रीमी शेवी चीज़ बिरयानी लेके आए थे। और ये रहा मटन कोरमा जो गरम करने रख रहे हैं। क्या है? और यहाँ पे कीमा गोंदा है, काजू वाला कीमा गोंदा। बहुत खूबसूरत दिख रहा था माशाल्लाह। ग्रेवी बहुत टेस्टी और यमी था, हम सब ने खाया था। यहाँ पे मैं सर्व करके जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें दे रही थी। यहाँ पे स्टार्टर है चिकन अंगारा, कुछ नया है। काफ़ी मतलब वो रैप करके लाए थे तो ये सॉफ्ट होके था, फ्राई करके लाए तो उन्होंने ऑयल डीप फ्राई। मैं फिर वापस यहाँ पे गरम कर रही हूँ तवे पे ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। ये टोटल 7 पीस लेके आए थे। ये है मटन की, खुद यहाँ पे इसे फ्राई कर रहे हैं। हमने तवा और गैस वगैरह उन्हें दे दिया, जो करना वो अपने हिसाब से कर लें। और हम भी उनकी हेल्प कर रहे थे साथ साथ में। ये है शेजवान पास्ता, चिकन शेजवान पास्ता। ये काफ़ी टेस्टी और यमी था। ये फिश है पॉपलेट। और ये बटर गार्लिक प्रॉन्स, इसे मैं ऑन में डाल रही हूँ गर्म करने के लिए। मेरी किचन पे काफ़ी गंदगी हो गई, सब निकाल निकाल के रेवर रैपर पेपर मैं साथ में साफ भी कर रही हूँ। और ये है चिकन नगेट्स, और मैं साथ में कोरमे के साथ खाने के लिए पराठा गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे नवाबी पराठा, ये मेरे घर का स्पेशल पराठा है। वापस पराठा, ये कीमा गुड़दा हम बाहर के लिए सर्व कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा पराठा भी गर्म कर रही हूँ। अभी यहाँ पे चिकन हैदराबादी चीज़ी क्रीमी बिरयानी भी सर्व कर रहे हैं साथ में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह।
हाँ ला रही हूँ। ओके, और साथ में मैं पराठा भी गरम कर रही हूँ। अभी तक मेरे पराठे पूरे नहीं हुए फ्राई करके, लोग भी काफ़ी थे माशाल्लाह। और यहाँ पे